राजा कंसा के हमलों से बचने के लिए नंद महाराज ने गोकुल से बाहर जाने का फैसला किया। वो अपने लोगों को नंदीश्वर पहाड़ी पर निवास करने के लिए ले गए, जो भगवान शिव का अवतार माना जाता है। अब नंदगांव के नाम से विख्यात इस गांव में नंद महाराज, माँ यशोदा, कृष्ण, बलराम, राधा रानी और कृष्ण के दो ग्वाले मित्रों का देवी देवताओं के साथ एक बड़ा मंदिर है। अहो भाग्यम नंद व्रज कोशकम, व्रजवासी और नंद महाराज कितने भाग्यवान हैं। यन मित्रम, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं जो परमानंदम है, जो परम आनंद प्रदान करते हैं, उनके मित्र बने। पूर्ण ब्रह्म सनातनम, जो भगवान पूर्ण ब्रह्म है, जो सनातन है, आज नंद बाबा के आंगन में घूमते हैं। नंद महाराज, उनकी महिमा कितनी महान है। हम आज की परिक्रमा नंद गांव से प्रारंभ करें। महाराज नंद जब गोकुल में रहते थे, कंस का बहुत भय था। पूतना, शक्तासुर, तृणाव्रता, कंस ने अनेकों राक्षसों को भेजा, असुरों को भेजा कृष्ण का वध करने के लिए। नंद महाराज सोचने लगे, क्यों ना, क्योंकि ये स्थान अत्यंत असुरक्षित है, यहां से क्यों ना हम किसी सुरक्षित स्थान की तरफ जाएं। ऐसा सोचकर उन्हें नंदीश्वर पर्वत की याद आई। नंदीश्वर पर्वत, इस क्षेत्र में भगवान कृष्ण की कृपा के कारण प्रकट हुए हैं। ऐसा बताया जाता है, शिवजी ने भगवान कृष्ण की घोर तपस्या की और उनसे प्रार्थना की, हे भगवान, मैं आपकी बाल लीलाएं देखना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने सोचा, नंदगांव से बढ़िया कौन सी जगह है मेरी बाल लीलाओं के लिए। इसलिए उन्होंने शिव भगवान को अनुमति दी कि इसी नंदगांव में एक पहाड़ी के रूप में वो रहेंगे, जहां से भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं देख सके। यह नंद भवन इसी नंदीश्वर पर्वत के ऊपर है। यहीं से कृष्ण और बलराम अपनी 900,000 गाय को लेकर के वृंदावन तक चराने के लिए जाते थे। ये महान जगह नंदगांव। एक बार शिवजी ने सोचा कि मैं नंद भवन के अंदर जाकर के बालक कृष्ण के, नन्हे कृष्ण के दर्शन करना चाहता। उन्होंने एक योगी का वेश धरा और नंद भवन पहुंचे, लेकिन यशोदा माँ ने उस योगी को देख करके अंदर आने की अनुमति नहीं दी। 3 दिन तक लगातार शिव भगवान इस योगी के रूप में व्रज धाम में फिरते रहे, लेकिन भगवान की बाल लीलाओं के नंद भवन में दर्शन नहीं। उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, भगवान, मैं आपकी बाल लीलाएं नंद भवन में देखना चाहता हूं, आपके दर्शन करना चाहता हूं, कृपा मेरे ऊपर कृपा कीजिए। भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर के एक उपाय किया। नंद भवन में भगवान जोर जोर से रोने लगे। यशोदा माई ने, नंद महाराज ने, गोपियों ने अनेकों प्रकार के उपाय किए, लेकिन कृष्ण चुप नहीं हुए। तब वहां पर जो वरिष्ठ गोपियां थी, उन्होंने सलाह दी कि क्यों ना हम वो योगी जो व्रज में घूम रहे हैं उनके पास में जाएं, हो सकता है कि उनसे कुछ उपाय मिल जाए। उन गोपियों ने उन योगी को बुलाया, जो स्वयं शिव भगवान थे। वो वहां पर आए और उनके दर्शन करते ही भगवान कृष्ण जो है चुप हो गए, उन्होंने अपना रोना बंद किया। ये महान लीलाएं इस नंद भवन में, नंद गांव में ही। माँ यशोदा ने कृष्ण के रोना बंद करने के लिए योगी का आभार जताया था। उन्होंने अपनी कृतज्ञता के लिए सांकेतिक तौर पर
किसी चीज की पेशकश करने की कामना की। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि वो केवल उनके सुंदर बच्चे को हमेशा देखने और उनके बचे हुए भोजन खाने की अनुमति चाहते हैं। इस दिन से भगवान नंदीश्वर महादेव इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर निवास करते हैं और उन्हें कृष्ण प्रसाद चढ़ाया जाता है। प्रेम सरोवर सबसे प्रमुख स्थानों में से एक है, जहां राधा रानी और भगवान कृष्ण ने एक दूसरे के लिए अपने दिव्य प्रेम की भावनाओं को व्यक्त किया। आदि पुराण में भगवान कृष्ण घोषणा करते हैं, हे पार्थ, तीनों ग्रहों की प्रणालियों में यह पृथ्वी विशेष रूप से सौभाग्यशाली है, क्योंकि पृथ्वी पर वृंदावन की नगरी है और वहां गोपियां विशेष रूप से गौरवशाली हैं, क्योंकि उनमें से एक मेरी श्रीमती राधा रानी है। इस पवित्र स्थान पर एक बार कृष्ण और राधा ललिता विशाखा आदि गोपियों से घिरे हुए बैठे थे। जब वो वार्तालाप कर रहे थे तभी वहां पर एक भंवरा आया और उसने सोचा कि राधा रानी का मुख जो बिल्कुल कमल जैसा सुंदर है, उसे लगा कि यह कमल का फूल है। ऐसा सोच करके वो भंवरा राधा रानी के चेहरे के चारों तरफ घूमने लगा। राधा रानी उस बड़े भंवरे को देख करके घबरा गई और घबराने के बाद में उन्होंने प्रयत्न किया उस भंवरे को भगाने का, लेकिन जब वह नहीं भागा उन्होंने अपने हाथों से हथेलियों से अपने चेहरे को छिपा लिया। यह देख करके मधुमंगल, उसने सोचा कि मैं प्रयास करता हूं। मधुमंगल ने अपनी छड़ी उठाई और उस भंवरे को दूर तक खदेड़ दिया। दूर तक भगाने के बाद में मधुमंगल वहां पर वापस आए और उन्होंने कहा, मैंने मधुसूदन को दूर तक भगा दिया है। संस्कृत में भंवरे को मधुसूदन भी कहते हैं। जब राधा रानी ने यह सुना कि मधुमंगल ने मधुसूदन को भगा दिया है और वो वापस नहीं आएंगे, तुरंत राधा रानी विरह भाव में, बिल्कुल विरह के साथ में रोने लगी। उनकी आंखों से लगातार अश्रुओं की धारा बहने लगी, वो विलाप करने लगी। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, युगायितम निमिषेना चक्षुषा प्रावशायितम शून्यमिदम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। हमारा प्रेम तब पूर्ण होता है जब हम हरेक क्षण भगवान गोविंद के विरह में विलाप करेंगे, जब हमारी आंखों से अश्रुओं की धारा बिल्कुल उस प्रकार से जैसे वर्षा होती है जब हमारी आंखों से बहेगी, तब हमारा प्रेम पूर्ण होगा। राधा रानी के इस विलाप को देख करके कृष्ण भी विलाप करने लगे, उनकी आंखों से भी अश्रुओं की धारा बहने लगी। राधा रानी और कृष्णा दोनों के अश्रुओं की धारा से ये पवित्र कुंड बना, जिसे प्रेम सरोवर कहते हैं। राधा द्रवमयो हरि। पावन सरोवर जो अत्यंत पवित्र सरोवर है, इसका निर्माण विशाखा देवी जो एक गोपी हैं, उनके पिता जिनका नाम पावन गोपा है, उन्होंने इसका निर्माण किया, तब से इसका नाम पावन सरोवर पड़ गया। यहां पर यशोदा माई, नंद महाराज, कृष्ण, बलराम यहां पर सवेरे सवेरे नहाने के लिए भी आते। यहीं पर कृष्ण और बलराम जब उनकी गायें वृंदावन में चरने के लिए जाती थी, जब ये गायें वापस आती थी और उनके बछड़े वापस आते थे, इसी पावन सरोवर में वो अपनी प्यास भी बुझाते थे। ये अत्यंत महान पवित्र सरोवर है इस स्थान। एक बार नंद महाराज, उन्होंने इच्छा की कि मैं जाकर के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में जाकर के स्नान करना चाहता, तो उन्होंने कृष्ण से कहा कि मैं त्रिवेणी संगम को जा रहा हूं, वहां पर स्नान करना चाहता। कृष्ण ने कहा, पिताजी आप क्यों त्रिवेणी संगम तक जाते हैं, यह व्रज धाम
उन सभी धामों से अत्यंत पवित्र है। सारे धाम यहाँ पर वास करते हैं। आप ऐसा कीजिए, कल अक्षय तृतीया का दिन है, इस पावन सरोवर में एक बार नहाइए, उसके बाद आप त्रिवेणी संगम जाइए। अगले दिन अक्षय तृतीया के दिन नंद महाराज इस पावन सरोवर में गए और वहां पर जाकर के स्नान किया। स्नान करने के पश्चात जब वे इस पावन सरोवर के किनारे पर आए तो उन्होंने एक अद्भुत पुरुष को देखा। ये अद्भुत पुरुष जो है इतने चमत्कारी दिख रहे थे। नंद बाबा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं स्वयं प्रयागराज और भगवान कृष्ण की कृपा से इसी पावन सरोवर के अंदर में, इसी धाम में मैं यहां पर पहुंचा। यह सुनकर के नंद बाबा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें यह ज्ञान हुआ कि उन्हें त्रिवेणी संगम तक जाने की जरूरत नहीं है, इस पावन सरोवर में सभी धाम उपस्थित है। वंदे कृष्णा टेर कदम। यह एक बड़ी कदंब वाटिका हुआ करती थी, लेकिन अब केवल कुछ कदम पेड़ ही रह गए हैं। हर रोज गाय चराने के कारनामों के बाद कृष्ण टेर कदम के पास आते थे। एक टेर या एक पेड़ की टहनी के अंत में बैठे वो अपने गोमाला में गायों की संख्या की गिनती करते थे। जब उन्हें यकीन हो जाता कि सभी गायों का हिसाब है तो वे उन्हें पावना सरोवर ले जाते। टेर कदम यह भगवान के क्रीड़ा की स्थली थी। इसी स्थली से भगवान अपनी गाय को अपनी गवों के साथ में, बछड़ों के साथ में वृंदावन तक भर भी लेकर जाते। इसी स्थान पर भगवान अपने गोप बालाओं से घिरे रहते थे। पीतांबर वस्त्र धारण करके, सर के ऊपर मोर पंख लगा के भगवान अपनी वेणु बजाते थे और सारे गोपगण के साथ में घर से लाए हुए भोजन की थैलियों को सारे गोपगण इन कदंब वृक्षों के ऊपर टांग देते थे और भगवान के साथ भोजन करके उस भोजन का आनंद लेते थे। यह तेर कदम अत्यंत पवित्र स्थान है। इस पवित्र स्थान पर चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त श्रील रूप गोस्वामी, उन्होंने आकर के अपनी पुस्तक भक्ति रसामृता सिंधु यहीं पर उसका समापन किया। तो ये अत्यंत पवित्र जगह है। भक्ति रसामृता सिंधु एक ऐसी पुस्तक है जिसे प्रभुपाद चाहते थे कृष्ण भावनामृत के सभी सदस्य भक्ति के नियमों को समझने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु पढ़े। ये किताब इसी पावन स्थल पर लिखी गई। जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, वंदे कृष्णानंद कुमारा, वंदे कृष्णानंद कुमारा, वंदे कृष्णानंद कुमारा। व्रज विलास, विलास सत्व राज्य प्रेम रस से छलकती हुई वृंदा देवी श्री श्री राधा और कृष्ण के लिए एक उत्सव का माहौल बनाती थी, ताकि वृंदावन के खिलने वाले पेड़ों को कई सुगंधित फूलों से सजाकर अपने प्रिय मित्रों के साथ अलौकिक लीला का आनंद ले सके। मैं वृंदा देवी को आत्मसमर्पण करता हूँ। वृंदाकुंड अत्यंत ही पवित्र और पावन स्थान है। यह वह स्थान है जहां पर रोज सवेरे राधा और कृष्ण युगल आपस में मिलते थे। इसे योगपीठ भी कहते हैं। वृंदाकुंड, जिनकी विस्तार तुलसी महारानी है, यहां पर अनेकों जगह पर उपजती है। तुलसी महारानी को हम यहां पर सब जगह देख सकते हैं। तुलसी महारानी का भगवान कृष्ण के साथ में घनिष्ठ संबंध है। श्रीमद् भागवतम में तुलसी महारानी के बारे में कहा है,
कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरणे प्रिय है। गोपियां जब भगवान कृष्ण के विरह भाव में डूबी रहती थी, क्योंकि कृष्ण रास नृत्य को छोड़ करके चले गए थे, तब वे तुलसी महारानी से पूछती हैं कि तुम गोविंद की अत्यंत प्रिय हो, क्या तुमने भगवान कृष्ण को तुलसी माला पहने हुए इधर से जाते हुए देखा है। तुलसी महारानी भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं, भक्त अगर भावनाओं के साथ, भक्ति के साथ तुलसी दल मात्र भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं और हाथों की हथेलियों में जितना पानी आता है उस जल को भगवान को चढ़ाते हैं, इतने मात्र करने से विक्रीडितम, भगवान अपने भक्तों के लिए विक्रीडितम बिक जाते हैं। इसी स्थान वृंदा कुंड में वृंदी देवी पौर्णमासी उनकी सहायता से भगवान कृष्ण की लीलाओं के लिए अनेकों प्रकार की योजनाएं बनाती। जब राधा कृष्ण सवेरे के समय पर इधर आएंगे, किस प्रकार से सूर्य उदित होगा, जब शाम को भगवान अपनी गो चराने के बाद में यहां पर वापस आएंगे, किस प्रकार से सूर्यास्त होगा, ये सारी योजनाएं, यहां तक कि हवा किस दिशा में चलेगी, कौन से फूल खिलेंगे, कौन सी चिड़िया चहचहाएंगी, ये सारी की सारी योजनाएं वृंदा देवी इसी स्थान पर करती। वृंद देवी तुलसी महारानी, उनका स्थान इतना महत्वपूर्ण है, इस स्थान को राधावन कृष्णावन नहीं कहा जाता है, इसे वृंदावन कहा जाता है। यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ में शीला प्रभुपाद जी ने वृंद देवी तुलसी महारानी की आरती दो समय रखी, हर एक दिन सवेरे उठ करके और शाम को हम तुलसी आरती करते। तुलसी भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और भगवान कृष्ण का प्रेम हम उनसे प्राप्त कर सकते। हम बड़े सौभाग्यवान हैं कि आज हम इस वृंदा कुंड में हैं। हमें इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम सब भक्त लोग मिलकर के इस वृंदा कुंड में तुलसी महारानी की पूजा करें, उनकी आरती करें। कृष्ण के भक्त हर दिन तुलसी देवी की पूजा करते हैं, उन्हें सुबह और शाम को आरती करते हैं। भक्त उनकी आराधना के लिए सर्वशक्तिमान भगवान और उनके गुरु श्री कृष्ण को प्रार्थना कर कीर्तन के माध्यम से याद करते हैं। हे तुलसी, कृष्ण के प्रिय, मैं बार बार आपके सामने शीश झुकाता हूँ। मेरी इच्छा श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा का अवसर प्राप्त करना है। जो कोई आपकी शरण लेता है उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। उस पर दया करने के उपरांत आप उसे वृंदावन का निवासी बनाती हैं। मेरी इच्छा है कि आप मुझे श्री वृंदावन धाम के आनंदमयी स्थानों में निवास प्रदान करेंगे। इस प्रकार मेरी दृष्टि के भीतर मैं हमेशा राधा और कृष्ण की सुंदर लीलाओं को निहारता रहूंगा। श्रीमद् भागवत में कहा है, वंदे नंद व्रज स्त्री नाम चरण रेणुम अभिक्षणसह यासम हरि कथोदयेतम पुनाति भुवन त्रयम्। उद्धव जी कहते हैं, वंदे नंद व्रज स्त्री नाम, मैं नंद गांव की स्त्रियों का उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो जितने भी कार्य करते हैं उन सभी कार्यों में हमेशा भगवान हरि के गुणगान करते हैं, वो इतने महान हैं। और ये भगवान की कथाएं, ये भगवान की लीलाएं जो वो चर्चा करती हैं, वो इतनी महान लीलाएं हैं कि तीनों भुवनों को, तीनों लोकों को शुद्ध कर देती। इसी प्रकार से आज हम सब भक्त भी नंदगांव के आसपास के सभी पावनों क्षेत्रों में गए, भगवान की लीलाएं सुनी, भगवान की लीलाओं का स्मरण किया। इन सभी विचारों के द्वारा
हमारा हृदय भी शुद्ध हो जाए, ये हम आज प्रार्थना करते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानं यशोदाभियो लोकलाघवमानं परां दृष्टमत्यन्ततोदृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं रजन्तम् सतङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षवधिं वा न चान्यं वृणेहं वरेषदपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये अत्यन्तनीले मृतं कुन्तले स्निग्धरक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तम् अलं लक्षलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धि वृष्ट्याति दीनं बतान गृहाणेश मामाज्ञं मेध्यक्षिदृश कुबेरात्मजो बद्ध मूर्त्यैव यद्वा त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ नमो क्षेग्रहो मेस्ति दामोदरेह नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानं यशोदाभियो लोकलाघवमानम् परामृष्टमत्यन्ततोदृत्यगोप्या जय राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय जय गुरुदेव।